चक्रवाती तूफान ताऊते मुंबई को टच करता हुआ 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात की ओर बढ़ गया है। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, अभी भी दक्षिण मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश जारी है। अरब सागर से उठे चक्रवात ताऊते का खतरा गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित 7 राज्यों पर बना हुआ है। तूफान आज दोपहर 3 बजे तक गुजरात के पोरबंदर तट से टकरा सकता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के खानमोह इलाके में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराए। दोनों अल बद्र आतंकी संगठन के सदस्य थे। पुलिस और सुरक्षा बल की टीम इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। रविवार को देश में 281,680 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई, जबकि 4,092 लोगों की मौत भी हुई। राहत की बात ये रही कि इस दौरान 378,390 लोगों ने कोरोना को मात दी है। बंगाल के नारदा केस में सीबीआई ने ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोवन चटर्जी से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के बाद सभी को अरेस्ट कर लिया गया। अपने मंत्रियों से पूछताछ के दौरान ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर पहुंची, जहां उन्होंने कहा सिर्फ टीएमसी नेताओं पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है, भाजपा में गए मुकुल राय और सुभेंद्र अधिकारी पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। डीआरडीओ की कोविड रोधी दवा 2-डिऑक्सी-डी ग्लूकोज को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में लॉन्च किया गया। डीसीजीआई ने हाल ही में इसके इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज ट्वीट कर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा पीएम केयर्स और पीएम मोदी झूठे हैं और काम करने में फेल है। केंद्र सरकार ने कोविशील्ड की 2 वैक्सीन की डोज के बीच में 12 से 16 हफ्तों का अंतराल तय किया है। हालांकि सरकार ने कहा जिन लोगों ने वैक्सीन लेने के लिए पहले से बुकिंग करा रखी है उन्हें वैक्सीन तय समय पर दी जाएगी। भगवान केदारनाथ धाम के कपाट सोमवार सुबह 5 बजे खुल गए। हालांकि कोरोना के चलते पिछले साल की तरह इस बार भी श्रद्धालु भगवान के दर्शन नहीं कर सकेंगे, भक्तों को सिर्फ ऑनलाइन ही दर्शन मिल सकेगा।